वेलकम टू द माय चैनल ऑफ मोस्ट क्रिएटिव नॉलेज ऑफ द कॉमर्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग द बेसिकली करंट नॉलेज एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट नॉलेज ऑफ द कॉमर्स रिगार्डिंग द ज्वाइंट वेंचर एंड वी आर डीलिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स विच इज़ वेरी रिलेटिव टू द अकाउंटिंग. Now in this case we have solved one illustration that was relating to joint venture account and we have calculated profit regarding the rate of interest and we have solved the problem in the last lecture we have discussed. Now in the B illustration, that is the second part of this sum, we are dealing with the co-venturer account. अब हम इस co-venturer account में deal कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि किसी भी co-venturer ने कितना pay करना और कितना उन्होंने देना है joint bank का. और हमें जैसा कि पता है यहाँ पे हमारा कोई भी joint bank का transaction appear नहीं हो रहा, it means that is on credit. यानी हमारे राम और श्याम ने अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है. सिमिलरली दे हैव सोल्ड देयर गुड्स एंड दे हैव कैप्ट देयर मनी. उन्होंने अपनी मनी को कीप किया, मनी को इन्वेस्ट भी किया एंड वी हैव प्रोवाइडेड देम इंटरेस्ट. हमने उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया एंड वी हैव कैलकुलेटेड टोटल इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल फ्रॉम राम एंड श्याम रिस्पेक्टिवली. नाउ माई ड्यूटी वॉज टू कम्प्लीट द इलस्ट्रेशन. I have only prepared joint venture account. Now it is my duty to prepare the co-venturer's account also. अब हमें co-venturer account भी prepare करना चाहिए ताकि मुझे राम और श्याम का बैलेंस पता लगे कि राम ने कितना पे करना है या श्याम ने कितना रिसीव करना है एंड दैट विल बी अफेक्टेड टू द ज्वाइंट बैंक अकाउंट. वो हम ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इफेक्ट उसका शो करना चाहते हैं. अब हमने जैसा कि अपना ज्वाइंट वेंचर लास्ट में बनाया था, लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने प्रिपेयर किया था, प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने प्रिपेयर किया था, उसकी पोस्टिंग अब हम को वेंचरर अकाउंट में करते हैं. अब जैसे हमारे ट्रांजैक्शन में ज्वाइंट वेंचर में को वेंचरर का बैलेंस पहले डेबिट रहा है और हमने एंट्री की थी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू राम बिकॉज ही वॉज इन्वेस्टिंग मनी, क्योंकि वो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा था और उसने कितनी मनी इन्वेस्ट की थी, 66,000 मनी रुपीज ही हैज़ इन्वेस्टेड. नाउ फर्स्ट मार्च अगर ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट में डेबिट रहा है तो हमें को वेंचरर में उसको क्रेडिट करना है. जैसे हमारे अकाउंटिंग में रूल होता है टू एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट. अगर एक अकाउंट में हमारी पोस्टिंग डेबिट होगी तो सेकेंड अकाउंट में हमारी क्रेडिट भी होगी. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट मार्च को हमें करना होगा बाय ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि हम राम का अकाउंट बना रहे हैं. इट मीन्स किसी का भी अगर अकाउंट बनाया जाए उसका नेम उस अकाउंट में अपीयर नहीं होता, सेकंड नेम अपीयर होता है. इसका मतलब हमें करना होगा बाय ज्वाइंट वेंचर टोटल परचेज मनी कंट्रीब्यूटेड बाय राम दैट वाज 66,000 एंड दैट विल बी क्रेडिटेड टू राम. अब हमने राम को क्रेडिट कर दिया. सिमिलरली राम ने 10,000 एक्सपेंडिचर भी इंकर किया. अब हमने सेम ट्रीटमेंट करना है बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू राम 10,000. इट मींस टोटल अमाउंट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय राम ऑन 1st March 2018 इन अवर इलस्ट्रेशन दैट वाज 76,000. और जो हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया था वहां पे हमने टू राम लिख के उसको डेबिट किया था, हमने उसमें पोस्टिंग की थी, डेबिट में टू राम लिखा था और 76,000 हमने पोस्ट किया था. लेकिन राम अकाउंट में हमें करना होगा बाय ज्वाइंट वेंचर 76,000. सिमिलरली श्याम इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग. श्याम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उनका कंट्रीब्यूशन है 1,08,000. कैसे हुआ उनका 1,08,000? क्योंकि 900 बिल्स एट द रेट ऑफ 120, हमने कहा था 105 CP होगा कॉस्ट प्राइस और 15 ब्रोकरेज, जब ये ऐड हो जाएगी 120 होगा मल्टीप्लाइड बाय 900, ये बनेगा 1,08,000. और शाम ने कंट्रीब्यूट किया फर्स्ट में और ये होगा बाय ज्वाइंट वेंचर 1,08,000. सिमिलरली शाम ने 15,000 एक्सपेंडिचर भी इंकर किए. अब हमें करना होगा बाय ज्वाइंट वेंचर दैट विल बी 15,000 इन द केस ऑफ शाम, ये हम क्रेडिट करेंगे. अब हमने कैलकुलेट किया था होल
प्रोसीजर, और ये हम कर चुके हैं। हमने निकाला था राम को पेएबल टू इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पेएबल टू राम होना चाहिए नेट, क्योंकि हमारा पेएबल बनता था 3040, रिसीवेबल था हमारा 1500, नेट पेएबल टू राम हमारा रहा 1540। अगर हम ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट को देखें, वहाँ पे हमें डेबिट देना पड़ेगा टू राम्स अकाउंट ब्रैकेट इंटरेस्ट, और वहाँ पे था 1540। सिमिलरली अगर हमें को वेंचरर अकाउंट बनाना होगा, राम्स अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर इन ब्रैकेट इंटरेस्ट होगा, और राम के कॉलम में हम लिखेंगे 1540। सिमिलरली अगर हम आए शाम्स अकाउंट, शाम को भी हमें नेट इंटरेस्ट पेएबल देना पड़ेगा, बिकॉज उनका पेएबल था 3690 और उनका रिसीवेबल फ्रॉम शाम था 1350, तो नेट पेएबल टू शाम वाज 2340 रुपीज इंटरेस्ट। तो ये हमारा ज्वाइंट वेंचर में डेबिट रहा है, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए डेबिट रहा है और हमें शाम को पेएबल करना है। अगर हमें शाम अकाउंट बनाना होगा तो दैट विल बी क्रेडिट इन हिज अकाउंट, तो दैट विल बी बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय ज्वाइंट वेंचर के नेम में हमें करना होगा 2340। नाउ वी हैव पोस्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, लास्ट में हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड किया और प्रॉफिट हमारा था 3:2 और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। राम शेयर वाज 1,30,272, इट वाज डेबिटेड टू द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग को वेंचरर अकाउंट, इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट विल बी रिटर्न बाय ज्वाइंट वेंचर इन ब्रैकेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट विल बी 1,30,272। इट मीन्स व्हेन एवर वी आर पुटिंग शाम्स शेयर, इट वाज 86,848, इट वाज डेबिटेड टू द ज्वाइंट वेंचर। नाउ वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ शाम अकाउंट एंड इट विल बी पोस्टेड एज बाय ज्वाइंट वेंचर एंड दैट विल बी 86,848। नाउ देयर इज ए नो बैंक अकाउंट, देयर इज ए नो पेमेंट ऑफ बैंक मनी, यानी दैट इज नॉट पेमेंट ऑफ एनी चेक मनी, नो कैश मनी इन दिस अवर इलस्ट्रेशन। इट मीन्स ओनली ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन परचेज्ड बाय सेल्फ एंड कैप्ट मनी, देयर इज ए नो बैंक मनी अपीयरिंग इन अवर इलस्ट्रेशन। इट मीन्स टोटल क्रेडिट साइड बिकम्स दिस। नाउ दे हैव सोल्ड मनी, जो हमारा ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट हुआ था राम का अकाउंट, बिकॉज राम ने सेल की थी और मनी उन्होंने रिटेन की थी। अब राम ने कितनी मनी रिटेन की है, उन्होंने अपने सारे 600 बिल्स, ऑल द 600 बिल्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 250, उन्होंने अपने 250 रुपीज पर बिल के हिसाब से 600 बिल को बेच दिया, और ज्वाइंट वेंचर में राम का अकाउंट क्रेडिट शो हुआ है बाय राम्स अकाउंट एंड नाउ वी हैव टू पुट ऑन द डेबिट साइड। जब हम पोस्टिंग करते हैं, जो डेबिट होता है वो क्रेडिट साइड दूसरे अकाउंट में पोस्ट होता है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट साइड, वो हमारा पोस्ट कन्वर्ट हो जाता है। नाउ 31 मई को अब हमारे राम ने सेल की टू ज्वाइंट वेंचर, ये हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा 31 अगस्त को, तो ये होगा JV सेल, ये बनेगा 1,50,000। सिमिलरली अब शाम ने भी सेल की है, शाम ने सेल की है ऑन द 1 अक्टूबर, अब शाम की सेल मानी जाएगी 1 अक्टूबर की, दैट वाज 2,70,000, इट इज रिटर्न, दैट वाज 900 बेल्स एट द रेट ऑफ 300, दैट विल बी 2,70,000। अगर वहां पे क्रेडिट रहा ज्वाइंट वेंचर में तो यहाँ पे शाम डेबिट हो जाएगा टू ज्वाइंट वेंचर सेल। नाउ क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग, व्हेन क्रेडिट इज एक्सीडिंग इट मींस वी आर पेइंग टू राम, अगर राम के बैलेंस को किया जाए तो 31 अक्टूबर फाइनल डेट को हमें राम को देने पड़ेंगे टू ज्वाइंट बैंक एंड अमाउंट शैल बी 57,812 इन अवर इलस्ट्रेशन। सिमिलरली अगर हम शाम का बैलेंस करें, बिकॉज शाम्स अकाउंट इज एक्सीडिंग डेबिट, शाम का बैलेंस डेबिट एक्सीड कर रहा है, इट मींस नाउ इट विल बी क्रेडिटेड, अगर हमें बैलेंस करना पड़े तो ये आएगा बाय ज्वाइंट बैंक एंड शाम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, दैट विल बी 57,812। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमें शाम से मिलेंगे 57,812 इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट बैंक और हमें राम को पे करने होंगे 57,812। तो इसका मतलब ये होगा, अब यहाँ पे हमें करना है, अगर हम ज्वाइंट बैंक बनाएं इसके बाद ओनली वन ट्रांजैक्शन इज देयर ऑफ द ज्वाइंट बैंक, दैट इज ए फाइनल ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन हमारा आया, एक को
वेंचरर से हमें सेम मनी लेनी है और एक को वेंचरर को हमें सेम मनी देनी है एंड दिस अमाउंट इज 57,812। नाउ ज्वाइंट बैंक अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमने शाम से रिसीव किए तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, ज्वाइंट बैंक में आएगा टू शाम, ज्वाइंट बैंक में डेबिट हो जाएगा, दैट अमाउंट शैल बी 57,812 एंड ऑन द क्रेडिट साइड बाय राम दैट विल बी 57,812। तो सेम ट्रांजेक्शन वी आर रिपीटिंग इन द ज्वाइंट बैंक एंड नो अदर चेक पेमेंट, नो अदर कैश पेमेंट इज अपीयरिंग इन द इलस्ट्रेशन। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एंड ओनली लास्ट बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय द ज्वाइंट बैंक और टू ज्वाइंट बैंक, वन को वेंचरर पेज एंड वन को वेंचरर रिसीव्स। इन दिस वे वी हैव क्लियर द इलस्ट्रेशन, देर इज ए नो ज्वाइंट बैंक और हमने यहाँ पे प्रूव किया और लास्ट में हमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाना है और सेम अमाउंट हमारा मैच करेगा, ओनली वन ट्रांजेक्शन अपीयर होगा एंड दैट विल बी इक्वल ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हमें ये बनाना जरूरी है कि हमें को वेंचरर अकाउंट भी बनाए जाएं और ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बनाया जाए और ये हमारी डीलिंग होगी इन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सो इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, इन दिस वे वी आर क्लियरिंग ऑल द इलस्ट्रेशंस ताकि एवरी प्रॉब्लम शुड बी क्लियर। थैंक यू वेरी मच।